धरने पर बैठी है, क्या मामला है, किन बातों को लेकर बैठी हुई है? एक्चुअली 2 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और बिजली नहीं आ रही तो पानी भी नहीं आ रहा है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, घर के सब लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में कितनी सारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है बिना पानी और बिजली के। तो पानी और बिजली तो बहुत आवश्यक है। अब 2 दिन होने जा रहे हैं, इन्वर्टर भी खत्म हो चुके हैं, फोन भी सबके डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऐसे खाली फोन लिए हम लोग बैठे, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, बहुत असुविधाएं हो रही हैं। इसलिए कि अब समय से बिजली मिल जाए हमको और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब ठीक है, पानी और बिजली आ जाएगा तो सब लोग शांत हैं। कोई बस बिजली आ जाए और क्या है। क्या पर अधिकारी आए, क्या कहा है? अब अभी मुझे तो लगता नहीं कोई बात हुई है। क्या अधिकारी क्या कहा है उन्होंने? अभी कोई बात नहीं हुई, कोई समाधान नहीं हुआ, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित हैं, सारे लोग यही बता रहे हैं। क्या कारण है आप लोगों ने यहाँ जाम लगाया? क्या कारण है, किन बातों को लेकर जाम लगाया? भाई नल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के मोबाइल चार्ज नहीं, पूरी जनता परेशान है। तो कुछ तो आदमी को चाहिए ही। लाइट नहीं आ रही है क्या? कल रात से नहीं है, 1 बजे से, कल रात से नहीं है। ये जो समस्या है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक है उसकी समस्या। अरे रुको यार, मैं फिर पे जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा 99% के लोगों की समस्या समाधान। 2 घंटे का काम कर लेंगे। यहाँ के लोगों को कहना है कि सुबह तक लाइट आ रही थी, लेकिन बात बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए हम लोग, मेरी बात समझिए, हम लोग सुबह से राउंड लगा रहे हैं। अब हमें मैडम ने बताया है हमारे खुद के घर पे लाइट नहीं है। तो सर आप यहाँ नहीं है, 30 मिनट हो जाएगी, 60 मिनट दीजिए आप। डीएम साहब ने कड़े निर्देश दिए हैं कि विद्युत व्यवस्था जो है चालू रहनी चाहिए। हम लोग फीडर पर जा रहे हैं, जैसे भी हो सकेगा संभव हम लोग। ठीक है आप